क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन टू अब इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स सेवेंटी फाइव एम एल ऑफ़ बेस हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद एटीन हंड्रेड एम एल ऑफ़ बेस जैसा हमने क्वेश्चन नंबर टू में अभी देखा तो उसी तरीके से क्वेश्चन थ्री में हमें रेड कलर का वन पार्ट दिया जा रहा है और जो बेस उसके साथ हमें मिक्स करना है वो हमें सेवेंटी फाइव एम एल में दिया जा रहा है अब हमसे ये पूछा जा रहा है अगर हम बेस एटीन हंड्रेड एम एल ले रहे हैं तो हमें रेड पिगमेंट कितना लेना होगा जैसा हम जानते हैं कि जैसे हम रेड कलर का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें बेस का क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे हम बेस का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो रेड पिगमेंट भी क्वांटिटी में बढ़ जाएगा सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन ओके और अब हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका रेशियो कॉन्स्टेंट होता है अस से ये ये एक्स वन ये वाई वन एंड ये वैल्यू एक्स टू और ये वैल्यू वाई टू सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रूल के हिसाब से एक्स वन अपॉन वाई वन विल बी इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू सो हमें जो वैल्यूज दिए हैं हम उनके उस रेशियो में रख देते हैं वन अपॉन सेवेंटी फाइव इक्वल्स टू एक्स अपॉन एटीन हंड्रेड अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इधर सो so, एक्स इक्वल्स टू एटीन हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव एटीन हंड्रेड क्रॉस इधर चला जाएगा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं सो फाइ वन ज़ा फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइ फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन थ्री बचा फाइव सिक्स ज़ा थर्टी ज़ीरो अब इसको मैं थ्री से कैंसिल कर सकता हूँ थ्री फाइव ज़ा फिफ़्टीन थ्री ट्वेल्व ज़ा थर्टी सिक्स इसको मैं फ़ाइ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ फाइव टू ज़ा टेन टू बचा फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी सो फाइनली एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है ट्वेंटी फ़ोर पार्ट्स हमें रेड पिगमेंट को पार्ट्स में बताना था तो कितना रेड पिगमेंट हमें चाहिए दैट इज़ ट्वेंटी फ़ोर पार्ट्स